of you, truth and justice shall prevail. Please, Prime Minister Modi ji and Amit Shah ji, please give us reassurance that justice will be done this time. We want justice for Sushant. 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 नमस्कार, मैं हूं रुपा, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं ऐसी जगह खड़ी हूं जहां मेरे पीछे कम से कम 50 गाड़ियों में लोग सुशांत को न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं। आज लंदन में कार रैली निकाली जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सुशांत के मामले में जो भी रिपोर्ट्स आई है, अगर उनकी सोच के अनुकूल नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि वो ठीक नहीं है, तो वो सीबीआई को प्रेशर दे सकते हैं इस केस का क्लोजर में। यहाँ हमारे साथ दिया आर्या खान भी है, वो सुशांत के मामले में अग्रिम भूमिका इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि दिशा, सुशांत और जिया खान की हत्या हो। ये नज़ारा लंदन के हेज इलाके का है, यहाँ के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आउटडोर कार पार्किंग स्पेस में कतार से लगी कारों में सुशांत सिंह राजपूत के फोटो, बैनर और पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के फैंस यहाँ कार रैली निकाल रहे हैं। इस कार रैली में कोविड 19 के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने अपने गुस्से का प्रदर्शन किया है। लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियों पे एक तरफ ब्रिटेन का झंडा लगाया, वहीं दूसरी तरफ भारत का तिरंगा लगाकर देश के प्रति अपने प्रेम को जाहिर किया। आश्चर्य की बात यह है कि एम्स की रिपोर्ट आने के बाद भी इनकी उम्मीद में जरा सा भी फर्क नहीं आया है, और इनका कहना है कि जब तक सीबीआई की तरफ से कोई फाइनल स्टेटमेंट जारी नहीं हो जाती, तब तक इनकी लड़ाई जारी रहेगी। I'm Tammy, I'm part of the team for justice for Sushant Singh, along with Disha and Jia Khan. My parents always told us about our roots, but is this our roots? I'll tell you one thing, we will carry on fighting and we will not give up. We will fight till the end and we will get justice, no matter what. इस कार रैली में मौजूद सभी लोगों का ये भी मानना है कि जब आम आदमी सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान और जिया खान को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा सकते हैं, तो बॉलीवुड से लोग आगे क्यों नहीं आए। उनका गुस्सा बॉलीवुड पर भी है, और इनका कहना है कि वो बॉलीवुड को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक उन्हें इस मामले में सच का पता नहीं चल जाता है। Thank you so much. He's asked all contributions towards fight for justice, truth and fairness. Sushant was very talented, great philanthropist, intellectual and a wonderful soul who will be missed now and many years to come. Jai Hind. I'm here to fight against the nepotism that's happening in Bollywood, which unfortunately Sushant Singh was just a tip of the iceberg. All the big stars tend to get the openings in Bollywood, supported by the mafia and Karan Johar and people who just want to support the star kids. Here in the West, we absolutely hate that kind of mentality in the Indian Bollywood industry. It doesn't happen in Hollywood. It doesn't happen in any of the Middle Eastern film fraternity. Why is it only in India? It is absolutely disgusting the way the mafia is now running the Bollywood, and people like Karan Johar are actually saying they only want to work with celebrity kids, which doesn't give just treatment to more talented actors, for example Sushant Singh and other upcoming actors or actresses, unless they've slept with about 10 different men before they get the first role. So this is something that the West absolutely hates, and we are here on a global platform to fight against the nepotism in Bollywood. एम्स की रिपोर्ट से निराशा मिलने के बाद अब लोगों की उम्मीद सेंट्रल एजेंसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी को इस मामले में अपनी ओर से हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे हो रहे इस कैंपेन से ये विश्व भर में फैले भारतीयों की भावनाओं से जुड़ा है। ये देश की इज्जत का सवाल बन गया है,
पूरी दुनिया में जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले को लेकर न्याय की मांग उठ रही है, उसमें लोग सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं। मोदी जी प्लीज गिव अस सम सिग्नल, गिव अस सम रीअश्योरेंस दैट दिस टाइम जस्टिस विल बी डन। वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत, वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत, वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत। इस मौके पर जिया खान की मां राबिया खान भी अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद थी। उनका कहना है कि सुशांत या दिशा की मौत उनकी बेटी जिया के जैसे ही साजिश लगती है, इसलिए वो इस मुहिम में अपनी बेटी और हर उस बच्चे के लिए अंत तक आवाज उठाती रहेंगी जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। Look, sometimes your pain becomes your bond. Right? And I have learned this by fighting. If I would have not fight for justice for my daughter, then I don't know, you know, what would have been the consequences of me or what it would have been of me. And today I feel that she is my strength who gave me to stand for other underprivileged people who are fighting for justice. NRI फोरम न केवल सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं बल्कि लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जिन्हें भी इस मुहिम से जुड़ने की थोड़ी सी भी इच्छा है उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये कैंपेन तब तक खत्म नहीं होने वाला है जब तक कि सुशांत को न्याय नहीं मिल जाता है। इन लोगों का जोश देखकर ये लगता नहीं है कि ये कैंपेन यहाँ थमेगा। जब तक इस केस को क्लोजर नहीं मिल जाता तब तक NRI जनता अपनी आवाज़ उठाती रहेगी। और ये एक सकारात्मक संदेश भी है कि जब रास्ता मुश्किल और लंबा हो तब भी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। लंदन से कैपिटल टीवी के लिए रतिका सोनाली। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।